हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम पोस्ट। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम 10th एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि वन एवं वन्य जीव। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने लैंड और सॉयल रिसोर्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम करेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन और वन्य जीव के बारे में अगर हम बात करें, ओवरऑल किस में इंक्लूड होते हैं हमारे, बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में हम कह देते हैं जैव विविधता। जो इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया जो है इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ज्यादा वैरायटीज में हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, यानी कि जितनी भी ये स्पीशीज हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक इनके बीच में एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम इंटर रिलेशन कहते हैं, इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं, कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं और उसमें रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ हैं, वन्य जीव हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, जैसे हम अपने इको सिस्टम में हम बार बार पढ़ते आए हैं इस टॉपिक को, कि इको सिस्टम में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरडिपेंडेंसी कह देते हैं। सपोज एक एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, अगर हम उन फॉरेस्ट को काट देंगे तो वहां पर रहने वाले जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं वो भी क्या होंगी, वहां पर हट जाएंगी वहां से, यानी कि ऑटोमेटिकली वन हटाने से जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या पर, उनके अमाउंट पर, उनके परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, यानी कि जो एक सिस्टम है इनका आपस में वो क्लोजली इंटीग्रेटेड है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो रिचेस्ट नेशन में से रिचेस्ट नेशन में से इंडिया उन्हीं रिचेस्ट नेशंस में इंक्लूड है जिनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लगभग 8% जो है वर्ल्ड की स्पीशीज का इंडिया में अकर करता है। बायोडाइवर्सिटी में हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा जिसे हम कहते हैं प्लांट्स, और फोना जिसे हम कह देते हैं एनिमल्स, यानी कि पौधे और जानवर। तो ओवरऑल स्पीशीज की हम बात करें तो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं तो फ्लोरा की लगभग 40,000 स्पीशीज जो हैं हमारे यहाँ तकरीबन मिलती हैं, जिनमें से 50,000 जो है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंडेमिक स्पीशीज हैं। ये एंडेमिक स्पीशीज हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 10% जो है इसमें वाइल्ड फ्लोरा है जो एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, यानी कि खतरे में है, जिनको अभी हमें बचाने की ज़रूरत है। फोना की अगर हम बात करें यानी कि एनिमल स्पीशीज की हम बात करें तो लगभग 81,000 जो स्पीशीज हैं अभी इंडिया में हमें मिल रही हैं, जिनमें से ये जो फिगर्स हमें दिए गए हैं 20% मैमल्स हैं, 44% बर्ड्स हैं, 15% रेप्टाइल्स हैं, और 3% एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जो जानवर होते हैं, उभयचर जो जीव होते हैं वो इनमें इंक्लूडेड हैं। और ये सभी जो स्पीशीज हैं ये क्या है, थ्रेटन्ड हैं, थ्रेटन यानी कि खतरे में है ये, इनको अभी बचाने की जरूरत है, थ्रेटन है ये। मैमल्स की हम बात करें तो स्तनधारी, बर्ड्स, पक्षी, रेप्टाइल्स यानी कि जो सरीसृप वगैरह होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं, और एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, यानी कि जो स्थल और जल दोनों इलाकों में रहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं हमारी ओवरऑल स्पीशीज के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, लगभग हमने यहाँ पर जैसे एंडेंजर्ड या थ्रेटन वर्ड हमने यूज़ किया, कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं या थ्रेटन हैं, जो खतरे के अंदर आ गई हैं। आज अगर हम स्पीशीज की बात करें, जैसे हमने कहा बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधताएं, अलग अलग जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं हमें पौधों की और जानवरों की, वन और वन्य, फोना एंड फ्लोरा की हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यह डिस्कस करते हैं जो टाइप्स हैं स्पीशीज के अलग अलग, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा आता है नॉर्मल स्पीशीज, यानी कि सामान्य प्रजातियां जो आमतौर पर हमें मिलती हैं, इजीली हमें मिल जाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लेके हैं, कैटल मवेशी जो हमारे होते हैं, साल का पेड़ है, रोडेंट्स हैं यानी कि जो चरते हैं जानवर, वो जो जानवर हैं ये आमतौर पर हमें मिल जाते हैं, ये क्या आएंगे, सामान्य स्पीशीज आएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी, ये हमारी एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त, यानी कि जो अभी खतरे में हैं, जो जातियां खतरे में पहुंच गई हैं, तो जैसे ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल, इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के स्टडी करेंगे। तो एंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे में हैं, जिनको अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो वो खत्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य जो जातियां हैं, यानी कि अभी जो है अपोजिट कंडीशंस हैं, विपरीत परिस्थितियां इनके लिए उत्पन्न हो गई हैं, और अगर उन विपरीत परिस्थितियों को, अपोजिट कंडीशंस को, अनफेवरेबल कंडीशंस को मैनेज नहीं किया गया तो ये वल्नरेबल स्पीशीज किस में आ सकती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज में शिफ्ट कर सकती हैं। यानी कि अभी हमारे पास समय है कि हम इनको बचा सकते हैं, अभी हम इनको बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्व करने के लिए हम इनके काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये एंडेंजर्ड भी शिफ्ट हो सकती हैं।
एंडेमिक यानी कि स्थानिक, स्थानिक मतलब वो स्पीशीज जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही मिलती हैं, कहीं और वो हमें नहीं मिलती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है निकोबार पिजन, जो निकोबार आइलैंड के अंदर ही मिलता है। पिजन हम कबूतर की बात कर रहे हैं। अंडमान वाइल्ड जो है एस जो है वो भी क्या मिलता है हमें, अंडमान निकोबार आइलैंड में ही, अंडमान आइलैंड में ही हमें मिलता है। तो इस तरीके से ये स्पीशीज क्या हो गई, एंडेमिक यानी कि स्थानिक, जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही मिलती है। अगर उस एरिया की कंडीशन को हमने फेवरेबल इन स्पीशीज के लिए नहीं बनाया तो ये जो स्पीशीज है ये भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो सकती है या एंडेंजर्ड हो सकती है। इसके बाद आती है हमारी रेयर यानी कि दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ यानी कि जो बहुत मुश्किल से हमें कहीं कहीं पर अभी देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लेकर डेजर्ट फॉक्स की हमने बात की या हॉर्नबिल की हमने बात की, तो ये क्या है, दुर्लभ प्रजातियां हैं, रेयर स्पीशीज हैं जिनको अभी हमें बचाने की ज़रूरत है। वही बात फिर से आती है, अगर हमने इनके प्रोटेक्शन का काम नहीं किया तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती हैं, तो इनको बचाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है, कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने का अभी हमारे पास समय है। लास्ट है हमारा एक्सटिंक्ट यानी कि जो खत्म हो चुके हैं, यानी कि हमने समय रहते उनको बचाने का कोई इलाज नहीं किया, कोई काम हमने नहीं किया, स्टेप्स हमने नहीं उठाए, तो वो स्पीशीज आज खत्म हो चुकी हैं हमारी धरती से। जैसे हम बात करें एशियाटिक चीता की, जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, एशियाटिक चीता हम कहें या पिंक हेडेड डक जो होती है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं यानी कि लुप्त होने हो चुकी प्रजातियां हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ स्पीशीज हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अलग अलग कैटेगरीज में हम स्पीशीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यहीं पर आपके इंटरेस्ट के लिए एक चीज़ बताना चाहूंगी कि ये जो रिकॉर्ड है ये एक रेड डेटा बुक होती है, इन सभी स्पीशीज का जो रिकॉर्ड है इन रेड डेटा बुक में मेंटेन किया जाता है। और एनिमल्स के लिए यानी कि फोना के लिए और फ्लोरा के लिए अलग अलग ये बुक्स हैं, अलग अलग रिकॉर्ड इनका मेंटेन यहाँ पर किया जाता है। अब अगर हम अपने फॉरेस्ट यानी कि वन संसाधनों की बात करें, तो वन संसाधनों को हम नुकसान जो पहुँचा रहे हैं, डैमेज हम कर रहे हैं, देखिए ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो चीज़ें हम बार बार रिपीटेडली स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको समझने की या जानने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपने पहले वीडियो से, हम इन चीज़ों को बीच बीच में कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहे हैं, तो हम इसको स्पीड से फटाफट से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें डैमेज टू फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट जो है वो डैमेज कैसे हो रही है। हम सभी जानते हैं अगर हम एंशियंट टाइम से लेकर के चलें, पुराना अगर इतिहास को हम स्टडी करें, तो सबसे पहले जो कॉलोनियल पीरियड था यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनी का जो रूल था, उस समय में जो एग्रीकल्चर था उसको एक्सपेंड किया गया, जंगलों को साफ किया गया, प्लांटेशन को इम्प्रूव किया गया, जो वन क्रॉप कमर्शियल क्रॉपिंग थी उसको बढ़ावा दिया गया, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, रोडवेज डेवलप करने के लिए, रेलवेज डेवलप करने के लिए इन जंगलों को साफ कर दिया गया। यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया डिफॉरेस्टेशन के अंदर, यानी कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम देखें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो एग्रीकल्चर को भी एक्सपेंड किया गया, क्योंकि जितनी डिमांड थी उसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ाना ज़रूरी था, तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया गया। जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, जंगलों को साफ करके ही ज़मीन हमें मिलेगी, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया फॉरेस्ट को डैमेज करने में। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, देखिए अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए, डैम्स बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, डैम्स बनाए गए या हम कहें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया गया, तो उन सबको बनाने के लिए क्या किया गया, जंगलों को साफ किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई, रोड्स बनाई गई, बिल्डिंग्स बनाई गई, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जंगलों को साफ करना पड़ा, तो इनसे भी क्या हुआ, फॉरेस्ट को डैमेज पहुंची। माइनिंग की हम बात करें, जैसे हमें मिनरल रिसोर्सेज का पता चलता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग के कारण क्या होगा, जब जमीन हम खोदेंगे तो वहां के पेड़ पौधे क्या होंगे, खत्म ही होंगे, नुकसान ही पहुंचेगा उनको। फिर हम देखें ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, अब जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं जो टोटली जंगलों पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड करते हैं, उन्होंने जंगलों जानवरों को अपने चराने के लिए जो है जंगलों में ले जाना बढ़ाए रखा, शुरू किए रखा, क्योंकि जो आसपास का एरिया था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था, आसपास के एरिया जो थे प्रोटेक्टेड एरिया से या कंजर्व्ड एरिया से वो वहाँ नहीं जा पाए, तो जो उनके जंगल इलाके थे वहीं पर उन्होंने पास्चरिंग यानी कि ग्रेजिंग जानवरों की शुरू रखी। साथ ही साथ फ्यूल वुड कलेक्शन यानी कि अपने चूल्हे जलाने के लिए घरों में लकड़ियां जो है वो बिनते रहे, लकड़ियां जब बिनने लगे धीरे धीरे पेड़ों को उन्होंने काटना शुरू किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचा। फिर हम देखें ड्रॉट्स एंड डिफॉरेस्टेशन या फ्लड्स हम कहें यानी कि बाढ़ की हम बात करें, जो नेचुरल क्लाइमेटीज हैं जैसे फ्लड या ड्रॉट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग किया। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हम बताते हैं कि हम फॉरेस्ट को डैमेज कैसे पहुंचाते चले आ रहे हैं पुराने समय से आज तक, जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं
यानी कि एक ही तरीके की फसल को लेना या प्लांटेशन जो या कमर्शियल क्रॉप हम कहें, उनकी वजह से हम क्या करें, जंगलों को साफ धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं। अब फॉरेस्ट को डैमेज पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, जैसा कि हम चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंटरडिपेंडेंट हैं। हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी है। सो जब फॉरेस्ट डैमेज होंगे तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं यानी कि जो वाइल्ड लाइफ हैं या प्लांट्स, तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से ख़त्म हुए, तो वहाँ के जो वन्य जीव हैं वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे ख़त्म होंगे। तो उनका जो हैबिटेट है यानी कि आवास है उनका, वो डिस्ट्रक्ट होगा, ख़त्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। हंटिंग या पोचिंग की हम बात करें, यानी कि जब जानवरों का शिकार किया जाता है, हंटिंग और पोचिंग, पोचिंग होता है घात लगाकर शिकार करना, और हंटिंग जो सिंपली शिकार किया जाता है, तो हंटिंग और पोचिंग से भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो रिसोर्सेज हैं हम क्या कर रहे हैं, इनको ओवर यूज़ कर रहे हैं, बार बार ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम पढ़ ही रहे हैं। पॉइजनिंग की हम बात करें, पॉइजनिंग यानी कि जो हम जहरीली जो चीज़ें हैं, वेस्ट है हमारा, वो सब हम कहाँ एक्सपोज कर रहे हैं, सब हम जो बायोडाइवर्सिटीज़ के थ्रू ही हम एक्सपोज कर रहे हैं, यानी कि हमारी चाहे वाटर बॉडीज़ हम ले लें, चाहे हम फॉरेस्ट ले लें, या हम लैंड की हम बात करें, तो जो अल्टीमेटली ये जो पॉइजन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में हमारे प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो गिद्ध हैं हमारे, वो आजकल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम पेन किलर्स लेते हैं वो उनको, जो जिन भी ऑर्गेनिजम्स ने उन पेन किलर्स को खाया है, जब डीकम्पोज करने के लिए गिद्ध उनको खाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो जो केमिकल्स हैं उनकी बॉडी में जाते हैं। यानी कि जो हम फूड चेन की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म्स तक जो ऑर्गेनिक या केमिकल्स हैं वो पहुंचते हैं, तो इसी कारण से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचते हैं और उसको अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाते हैं। तो पॉइजनिंग यानी कि हम अलग अलग तरीक़ों से जो हम जहर फैलाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा वनाग्नि है, यानी कि कभी कभी अचानक से जंगलों में आग लग जाती है या फ्लड्स आ जाती हैं, या हम बात करें ओवर पॉपुलेशन, हमने पढ़ा ही है कि यानी कि जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। और इसके अलावा जो हम मेन फैक्टर हम पढ़ते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी कारण से जो कंजम्पशन है वो भी क्या है, इनइक्विटेबल है। तो अगर हम कंजर्व की बात करें, हमने डिक्लाइनेशन पढ़ लिया, अगर हम कंजर्व करना चाहें तो हम इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्व करने के हमारे पास तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इकोलॉजी डाइवर्सिटी को कंजर्व करें, उसके बाद हम जो जेनेटिक स्पीशीज हैं यानी कि जो स्पीशीज जो हमने अभी पढ़ा एंडेंजर्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट हम करें किसी तरीके से, और उनका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करें, जिसके लिए हमने पढ़ा है कि जैसे गवर्नमेंट है उन्होंने बोटानिकल गार्डन्स बनाए हैं, बायोलॉजिकल पार्क्स बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्पीशीज उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उन स्पीशीज से आगे जो है नई स्पीशीज का प्रोडक्शन किया जाता है। ये हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी तरफ से क्या क्या कंजर्वेशन स्टेप्स लिए गए हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें जो वन्य जीवों को कंजर्व करने के, सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए गए। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर राइनो है, इन सब से क्या किया गया है, स्पेसिफिक स्पीशीज को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने के लिए नियम और कानून बनाए गए। इसके बाद हम देखें 1980 और 86 में भी जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट यानी कि जो 72 में एक्ट बने थे, उनमें धीरे धीरे और चेंजेस करके नए नियम लागू करके उनको बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 1991 में है, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया, साथ ही जो इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाइज की हम बात करें या छोटे छोटे इंसेक्ट्स और की हम बात करें, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सबको भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में या हम कहें प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन सबको इंक्लूड किया गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को यानी कि डाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि सेकंड पार्ट, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहां तक जो चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपके क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स को यूज करें। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू।